हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग ब्रेड रोल और हम ब्रेड के अंदर भी स्टफिंग करेंगे और एग के अंदर भी करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडे उबलने के लिए रखेंगे, तो मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। गैस को ऑन कर लें। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। एग ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने चार अंडे लिए हैं, उनको उबाल लेंगे। अंडे उबल जाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इनको छील लें। एग ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार ब्रेड लिए हैं, इनकी साइड को काट लेंगे। एग ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जब अंडे को कवर करेंगे तो हमें डेढ़ ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ब्रेड नीचे रखे और आधा थोड़ा सा जो कम पड़ेगा तो आधा ब्रेड ऊपर से रख के आप उसको अच्छे से कवर कर दें, जिस तरीके से हम ब्रेड रोल बनाते हैं। ये मैंने साइडों को काट लिया है। अंडे उबल जाने के बाद मैंने इनको छील लिया है। अब अंडे में से पीला हिस्सा निकाल कर एक अलग बाउल में रख लें। इसे और जैसे हमने इसको करा है ऐसे ही हम बाकी तीन अंडों का भी पीला हिस्सा निकाल कर एक अलग बाउल में रख लेंगे। इस तरीके से इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, आधी यूज़ करेंगे अभी। अब इसमें डाल दें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, काला नमक 2 पिंच, भुना हुआ जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दें हरे धनिया की चटनी 1 चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस 1 चम्मच। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल दें। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलते हैं हम स्टफिंग की तरफ। तो हम अंडे ले लेंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। जितना हमने अंडे में से पीला हिस्सा निकाला है उतनी ही हमें स्टफिंग इसके अंदर भरनी है। इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं भरना हमें। अब इसको रख दे एक तरफ। अब दूसरा हिस्सा उठा ले और इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डाल दे। अब इसको बंद कर दे। इसी तरीके से चारों एग की हम स्टफिंग करके तैयार कर लेंगे। ये मैंने चारों एग की स्टफिंग करके तैयार कर ली है। अब ये जो आधी बची है हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी धनिया की चटनी और पिज़्ज़ा सॉस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी तो हमने अंडे की स्टफिंग करी है, अभी हमें ब्रेड के ऊपर इसे लगाना है, तो इसे थोड़ा सा हमें पतला करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक बर्तन में, खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। ब्रेड को इसमें डिप करेंगे इस तरीके से और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दें। सारा एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद इस बर्तन को हम साइड में कर देंगे। अब इसको हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे स्पून से इस तरीके से। इस पे डाल दें 1 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया, प्याज। अब इसके ऊपर डाल दें 1 पिंच काला नमक और थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी। चटनी ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बस। अब लास्ट में हम अंडे को इस पर रखकर इसको कवर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ब्रेड को कवर करने के लिए मैंने डेढ़ ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आधे ब्रेड का और किया था। तो इसी तरीके से चारों बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लें।
अब थोड़ा सा इसे पलट देंगे इस तरीके से, और इसको पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा कलर आ गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरीके से झटकते हुए निकाल लें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी तरीके से हम बाकी को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आ जाए आप इसे पलटते हुए इसे हमें सेकना है। यह आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें, गैस को बंद कर देंगे। एग ब्रेड रोल बनकर तैयार है। जब आप इसे सर्व करें तो गर्मा गर्म ही करें, हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ। तो चलिए सर्व करते हैं। ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी है। अब इसके ऊपर डालें थोड़ा सा चाट मसाला, इसे थोड़ा सा और चटपटा करने के लिए। टमाटो केचप और हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। एग ब्रेड रोल की अंदर की स्टफिंग आप देख सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चटपटा फ्लेवर आपको आएगा। यह आप देख सकते हैं अंदर की स्टफिंग। तो ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।